हेलो एवरीवन, आईआईटी एंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जुलाई के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर आप इंट्राडे का ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आपको खुद से भी रिसर्च करनी है और फिर ही ट्रेड लेना है। आपको कन्फर्मेशन लेनी है वो 3 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जा करके ही आपको ट्रेड लेना होता है। इंट्राडे का ट्रेड लेते हैं वो आपको इन्हीं टाइम फ्रेम पे लेना होता है। आपको यहाँ पे 1 ओवर पे या डेली चार्ट पे इंट्राडे का ट्रेड नहीं लेना होता है। अब चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती हैं। आप हमसे वहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हो, आपको न्यूज़ से अपडेट दिया जाता है वहाँ पे, तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे अंडर में बिल्कुल फ्री के अंडर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलते हैं यहाँ पे स्टॉक्स की लिस्ट के ऊपर। तो जो पहला स्टॉक हमने चुना है वो है असाही इंडिया ग्लास। इसको मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया था पहले, जो यहाँ पे संडे को वीडियो आया था उसके अंदर भी, और आज इसके अंदर यहाँ पे चाल भी शुरू हो चुकी है, इसका ब्रेकआउट भी आया है। आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि इसने किस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था और उस छोटे से रेजिस्टेंस के पास में ये रुका था, ठीक है, ये वाला एक रेजिस्टेंस था छोटा, उसके पास में जाकर के रुका था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसने कंसोलिडेशन देने के बाद में क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने के साथ में अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 562 का लेवल है ये, डे हाई ब्रेक करेगा कल, ठीक है, तो आपको एंट्री करनी है। 568 का पहला टारगेट रखना है और 574 का दूसरा टारगेट रखना है। इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 555 के ऊपर। तो ये हो गया पहला स्टॉक जिनके अंदर आपको इंट्राडे का ट्रेड करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टीटी के प्रेस्टीज के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे आपको मैं बड़ा चार्ट एक बार दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर आपको चार्ट दिख रहा है तो ये इस प्रकार से एक बड़ा जो चैनल है उसके अंदर चल रहा है। अभी ये यहाँ तक पहुँचा है, इसको जाना है ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि ये स्विंग ट्रेड का भी स्टॉक है और यहाँ पे इंट्राडे का भी स्टॉक है। इंट्राडे से पहले आपको मैं बताऊँ कि क्यों लेना इसको बनता है। यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके पास में कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन देने के बाद में यहाँ पे आप जो आज ब्रेकआउट देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट दिया है। तो आपको 801 का यहाँ पे लेवल है, एंट्री यहाँ पे करनी है। 809 का पहला टारगेट रखना है और 812 का आपको दूसरा टारगेट रखना है। 795 के ऊपर आपको क्या रखना है, इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखना है टीटी के प्रेस्टीज के अंदर। थर्ड नंबर का जो स्टॉक हमने चुना है वो है सिप्ला। सिप्ला के अंदर भी मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि ये जब चलेगा तब ये बहुत तेज़ी से चलने वाला है। तो इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन थी, इस रेजिस्टेंस जोन के पास में इसने बहुत टाइम बिताया है और ये एक तरीके से टाइम वाइज करेक्शन हुई है, और टाइम वाइज करेक्शन भी है वो धीरे 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 करके ऊपर जा रहा था ये, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखोगे कि ये जो बड़ा चार्ट अपना दिखाना चाहूँगा मैं आपको, तो ये एक आप बड़ा चार्ट देख सकते हो, इस चार्ट को आप देखना है, इस चार्ट को आप देखोगे तो ये इस चार्ट के अंदर अभी मिडिल के अंदर ही है, ठीक है, और यहाँ तक अप साइड में इसके अंदर चाल बनती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1058 के ऊपर आपको एंट्री करनी है। 1071 का पहला टारगेट रखना है, 1075 का दूसरा टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर लगा के रखना है 1053 का। तो ये हो गया थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर का जो स्टॉक हमने चुना है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके अंदर मैंने कल भी ट्रेड दिया था और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट है वो आई है, दोनों टारगेट आज के अचीव हो गए थे। अब इसके अंदर फिर से ये डे हाई निकालता है 611 का, यहाँ पे डे हाई निकालता है, तो आपको एंट्री लेनी है। 617 का पहला टारगेट और 620 का दूसरा टारगेट रखना है। 607 के ऊपर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है SBI के अंदर। नेक्स्ट जो और जो लास्ट वाला स्टॉक है वो है RVNL। RVNL के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ही चलता है, ठीक है, मैं आपको इसका बड़ा एक थोड़ा सा एनालिसिस दिखाऊंगा। ये इस प्रकार से करेक्शन किया, ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में गया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे करेक्शन करने के बाद में ब्रेकआउट दिया, अपसाइड गया, करेक्शन किया, ब्रेकआउट दिया, अपसाइड में गया। अब यहाँ पे देखोगे कि ये करेक्शन करने के बाद में ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देने के बाद में अब इसके अंदर ऊपर के साइड में चाल आती है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये आएगी, लेकिन आ सकती है, आएगी तो हम यहाँ पे 130 का यहाँ पे डे हाई निकलेगा तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। 132 का पहला टारगेट, 135 का दूसरा टारगेट और 144 का यहाँ पे फोर्थ नंबर का टारगेट है, जो कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये
कल ही आए, ठीक है। 144 आपको नहीं रखना है, 135 तक आपको यहाँ पे रखना है, 127 तक यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है RVNL के अंदर। तो ये हो गए बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर आपको खुद से भी रिसर्च करनी है और फिर ही ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पे जो आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ, इनके अंदर 920 के बाद में ही आपको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री लेनी होती है। तो अब यहाँ पे जो वीडियो है इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।